हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक। उम्मीद है कि आपके रोजे अच्छे गुजरे होंगे। हमारे रोजे बहुत अच्छे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का मेन टॉपिक है महंगाई के बारे में कि जर्मनी में ना काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अभी हम रिसेंटली शॉपिंग भी गए थे तो हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें ना, मतलब जो चीज़ें 20 यूरो की हम शॉपिंग करते थे वो 25 यूरो की मिल रही हैं, 30 यूरो की मिल रही हैं। पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं यूरोज़ में। सो इसकी क्या मेन वजह? एक वजह तो ये सामने है कि यूक्रेन और रशिया की जो फाइट चली उसकी वजह से चीज़ें शॉर्टेज होगी, महंगी होगी, वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इन चीज़ों, इन महंगाई की वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट्स देने का फैसला किया है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ माह से पूरी दुनिया की तरह जर्मनी में जो है काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं सुपरमार्केट के या फ्यूल प्राइसेस हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। जैसे सुपरमार्केट में अगर बात करें ऑयल की, तो पहले जो है 1 यूरो का था, अब 1.8 का है, और ऊपर से अब मिलता भी नहीं है। इसी तरह जो बाकी आइटम की शॉर्टेज भी है, काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। नमक हो गया, वाइजन महल जिसको मैदा कहते हैं, आटा कहते हैं, उसके बाद ऑयल हो गया, टिशू पेपर हो गया। जैसे कोरोना के टाइम में टिशू पेपर खत्म हो गए थे, रैक्स खाली हो गई, इस तरह रैक्स खाली हुए होते हैं चीज़ों के। और उसके बाद पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ियाँ वाकई में रोड पर कम हो गई, थोड़ा फर्क पड़ा है ना चीज़ें, मतलब वाकई में महंगाई हो गई। मेन वजह यही यूक्रेन रशिया की फाइट की वजह से ही हुआ है कि जनवरी से ना चीज़ें महंगा होना शुरू हो गई, जब से ये अब ज़्यादा होना शुरू हो गया, अब सामने आना शुरू हो गया। सो जर्मन गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ पैकेज तैयार किया है टैक्स पेयर्स के लिए, वो है क्या? उसमें 3-4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले जो है, सब जो टैक्स पेयर हैं उनको 300 यूरो जो है ना एक्स्ट्रा मिलेगा वन टाइम विद पेमेंट। जो मंथली आपकी सैलरी है उसके साथ 300 यूरो मतलब आपको एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी पे के साथ ही आपको आ जाएगा, और वो भी टैक्स करके आएगा, वो ब्रूटो होगा। लेकिन जिस तरह जैसे अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपका कम टैक्स कटेगा, अगर सेकेंड क्लास है तो ज़्यादा टैक्स कटेगा। इसका मकसद ये है कि जो लो इनकम वाले इंसान हैं उनको जो है ना ज़्यादा मिले, ताकि उनको ज़्यादा जो है बेनिफिट हो। इसके अलावा जो है 9 यूरो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टिकट होगा, जो अभी जो है ना करंटली 60 यूरो का है मंथली टिकट जो होता है। मतलब आपने किसी और शहर, मतलब जॉब के लिए हम जैसे अमेजोन जाते थे जॉब के लिए, तो हमें 58 यूरो का टिकट मिलता था, अब वो 9 यूरो का कर दिया गया है। तो वो जो 9 यूरो का है, ये भी काफ़ी इससे फायदा होगा क्योंकि आम इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा जो है, जिनकी जो फैमिलीज हैं उनको 100 यूरो पर चाइल्ड जो है एक्स्ट्रा मिलेगा वन टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं, तो उसी हिसाब से उनको पता है खर्चे ज़्यादा होंगे, तो फिर उनको वो भी मिल रहा है। अच्छा, काफी लोगों को ये नहीं पता होगा ब्रूटो और नेटो में क्या फर्क है। यहाँ पे जो आपकी पे स्लिप आती है उसमें दो चीजें लिखी होती हैं, एक ब्रूटो और एक नेटो, ये दो पेमेंट्स होती हैं। क्या फर्क है दोनों में? ब्रूटो जो है उसमें जो आपकी ओवरऑल सैलरी होती है, ब्रूटो में से आपका टैक्स कटता है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी टैक्स क्लास कौन सी है। जैसे हम स्टूडेंट हैं और सिंगल हैं, तो हमारा जो टैक्स क्लास 1 है, तो हमारा टैक्स जो है कम करता है। डिफरेंस टैक्स क्लासेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 6 जो होती मेजर, अगर 6 आपकी लग गई ना तो आपको तो 50% आपकी सैलरी जो है वो जो है। आपने ये जरूर चेक करना है आपका टैक्स क्लास कौन सा लगे, आपको 1 स्टूडेंट्स को 1 ही लगता है, अगर आप सही प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब जो आपको लॉयर उतनी कर रहे हैं तो फिर आपको 1 लगता है। और एक और नेटो जो होता है, वो आपकी जो फाइनल आपकी जो बैंक में आती है ना इनकम, वो नेटो होती है, उसको नेटो कहते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर महीने मिलेंगे, मतलब ये सिर्फ आपको एक महीने के लिए होगा, 300 यूरो सिर्फ आपको एक दफा मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की टिकट है 9 यूरो वो आपको 3 मंथ्स के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो चीजों की भी कमी हो जाएगी प्राइसेस में, मतलब हमेशा महंगाई नहीं रहेगी यहाँ पे, जरा चीजें पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कमी होगी, 30 सेंट्स पर लीटर जो है पेट्रोल की प्राइस में कमी होगी और 14 सेंट्स पर लीटर जो है डीजल की प्राइस में कमी होगी, तो काफी इससे बेनिफिट होगा। आई थिंक और जून जुलाई से शुरू होगा प्रोसेस करने में, अभी थोड़ा वो अभी जो है प्रपोजल दिया उस पर लेजिस्लेशन चल रही, काम चल रहा है, तो जून जुलाई से आई थिंक इस पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब बस एक ये कंफ्यूजन है कि ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए, अब टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारी जब पे आती है हमारा भी टैक्स कटता है, और जो बाकी जो प्रोफेशनल जॉब्स करें उनका भी टैक्स कटता है। अब आई थिंक हमें भी मिलेगा कि क्योंकि हम भी यहाँ की सिटीजन, एवरीवन विल गेट इट, सो ये भी जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और लेकिन काफी लोगों को ना काफी हमें वो खुशी हुई, मतलब जिस तरह मतलब काफी उन्होंने सोचा हमारे बारे में कि अगर महंगाई की है तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ बेनिफिट भी देना चाहिए, साथ से तोड़ के चाहिए आपको। सो ये थी आजकल की लेटेस्ट अपडेट, काफी लोग जानना चाह रहे थे किसको मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि काफी ना न्यूज चल रही थी यहाँ पे, और किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो पे होगी उसी के साथ आपको आएगा, मतलब सबको मिलेगा जो टैक्स पेयर्स हैं, कोई मसला नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस जब आपको पे आएगी तब आपको आप खुश हो जाएंगे, अगर ज्यादा आ गई तो आप समझेंगे हाँ आ गया। और काफी जर्मनी में सब शहरों में, मतलब हर जगह पे ऑब्वियसली पूरे जर्मनी में, पूरे यूरोप में या पूरे जर्मनी, सिर्फ अभी फिलहाल सिर्फ जर्मनी की न्यूज है, मतलब पूरे जर्मनी में हर शहर में आपको मिलेगा। सॉरी, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बस मेरे इसी तरह रोजे रखते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। और एक और मजे की बात, कोरोना की काफी मैं बता आयत करता हूँ कि मास्क वगैरह खत्म हो गया मार्केट्स में, अब काफी लोगों ने ना मास्क वगैरह उतारना शुरू कर दिया है। मस्जिद में भी अभी हम इसने जब जुम्मे की नमाज पढ़ने गए थे, तो अब वो पहले ना हर किसी का आपने अपनी जनमाज लेके आनी है, तो लाइक नॉर्मल होती जा रही है। सो अब मौलवी साहब ने कह दिया कि नहीं, आपको जमात लाने की जरूरत नहीं, जनमाज लाने की जरूरत नहीं, मास्क आपने पहनना है, क्योंकि वो फिर पुलिस वगैरह बाहर खड़ी होती है, वो देखते नजर रखते हैं, और बाकी वैक्सीनेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, अगर नहीं है वैक्सीनेशन का प्रूफ तो आपके पास वो जो सर्टिफिकेट होता है कि आपने वो जो रैपिड टेस्ट वो आपको दिखाना होगा। लेकिन ना मॉल्स वगैरह में भी ना, हम कॉफ्रेन गए थे तो किसी ने, काफी लोगों ने मास्क उतारा हुआ था, किसी ने कोई सख्ती नहीं कर रहे थे, मतलब
और कि आप तो मतलब फ्लाइट्स के लिए भी जो है पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बूस्टर डोज चाहिए। भी लगाई हो तो आई थिंक बूस्टर डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो फिर आप, लेकिन हाँ प्लीज़ अपनी जो आपकी एयरलाइन है उससे ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब अगर तुर्किश एयरलाइन है उनको फ़ोन करके आप आराम से कंफर्म कर सकते हैं ताकि आपको बाहर में कोई महंगा महंगा टीका ना लग जाए, सो उससे आपने बचना है। सो बस इसी नोट के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रोज़े रखते रहिएगा, खुदा हाफ़िज़।